जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पिंक टॉयलेट बना दिए हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री पिंक ठेके बना रहा है, होम डिलीवरी फ्री है, तो पूरा पूरा दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को बर्बाद करने पे तुला हुआ है आदमी। पंजाब में नशा मुक्ति की बात करता है। केजरीवाल को जूते से मारना चाहिए, मनीष सिसोदिया को यहाँ आना नहीं चाहिए। दिल्ली की सरकार ये चाहती है कि बच्चों को शिक्षा जरूरी नहीं है, दिल्ली की जनता को शराब पिलाना जरूरी है। जो अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली को तबाह करने पे तुला हुआ है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एक भी ठेका नहीं खुलने देंगे। और पिछले 4 दिन से हम लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। अब आप ये बताइए, 21 साल की उम्र, 25 से उन्होंने 21 साल की उम्र कर दी, 21 साल की उम्र में बच्चे कॉलेज स्कूल से पढ़ के निकलते हैं और रोजगार के लिए वो देखते हैं, ऐसे में उन्हें जब नौकरी नहीं मिलेगी वो शराब के ठेकों पर जाएंगे, वहाँ शराब पियेंगे और अपने भविष्य को एक तरह से बर्बाद करेंगे। क्या ये केजरीवाल सरकार यही चाहती है? माँ बहनों को भी बोलेंगे कि तुम जाकर हमारे लिए शराब खरीद कर लाओ क्योंकि तुम्हें 30% डिस्काउंट मिलेगा। इस वक्त मैं दिल्ली के मयूर विहार आचार्य निकेतन एरिया में हूँ। यहाँ पर ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ये इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप सामने देख पा रहे होंगे ये है इंस्टीट्यूट और इसके ठीक नीचे अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार जो है इस शराब का ठेका यहाँ पर खोला हुआ है। और ये जो क्षेत्र है ये उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र लगता है। सर है मेरे साथ विनोद जी। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप लोग ये जो धरना कर रहे हैं शराब का ठेका का, आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे और क्या सरकार से आपकी डिमांड है? देखिए, हम तो इस ठेके के विरोध में हैं। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, ऊपर स्कूल चलता है, पास में मंदिर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जहाँ 260 ठेके थे दिल्ली में जी, वहाँ रातों रात इन्होंने 850 ठेके कर दिए और एक बहुत मोटी रकम 20,000 करोड़ रुपये दिल्ली का मुख्यमंत्री ने रिश्वत के रूप में इन शराब माफियों से लिया और ये रातों रात पूरी दिल्ली को शराब के नशे में डुबा दिया। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, पहले शराब पीने की दिल्ली में जो एक एज थी वो 25 साल थी जी। और इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शराब ज़्यादा बिके, पूरी दिल्ली शराब में डूब जाए उसके लिए 25 साल से लेके 21 साल कर दी। जहाँ शराब दुकानों, जो रेस्टोरेंट, होटल, फाइव स्टार में 11 बजे के बाद कहीं शराब नहीं परोसी जाती थी, वहाँ रात 3 बजे तक अब लगाइए। इसी क्षेत्र में त्रिलोकपुरी बढ़ता है, पिछले 15 दिन में दिल्ली के अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ कि 15 दिन में 10 हत्याएं हो गई है और पुलिस कहती है कि इन हत्याओं के पीछे शराब और नशा है। तो आप कल्पना करिए कि अभी करीबन 1.5-2 महीने पहले इनकी शराब नीति लागू हुई, दिल्ली में इतनी हत्याएं, लूट, मर्डर, बलात्कार, ऐसी घटना घटित होगी तो आगे कल्पना करिए। केजरीवाल जी तो इसका विज्ञापन दे रहे थे और ये कह रहे थे कि अब आप लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा शराब खरीदने के लिए क्योंकि आपके घर के 2 किलोमीटर की दूरी पर ही शराब के ठेके खोल रहे हैं। बिल्कुल, जो अरविंद केजरीवाल जिन बहनों ने आपके ठेके खोलने की जरूरत क्या पड़ गई थी उन्हें? पैसा चाहिए ना उनको। अब दिल्ली की जनता ने उनको जो आशीर्वाद देना था दे दिया। अब अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली में मैं दोबारा नहीं आऊंगा, जितना लूट सकूं, जितना बर्बाद कर सकूं मैं बर्बाद करके अब वो जो पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम, गोवा जैसे में उनको लगता है कि वहीं उनका ठिकाना बनेगा, लेकिन दिल्ली को बर्बाद करने पे तुले हुए जी। और अभी कोविड गाइडलाइन जो जारी की है उसके तहत मैं देख रही हूँ बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। अभी जैसे ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के नीचे इन्होंने शराब का ठेका खोल दिया है और पंजाब में जाके अपनी रैली निकाल रहे हैं। वहाँ पर पंजाब में बात करते हैं, नशा मुक्ति की बात करते हैं। यहाँ इनका जो कानून है, महिलाओं के लिए अलग से पिंक ठेके खोले गए हैं और महिलाएं अगर शराब लेती है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाएं जब जाएंगी तो 30% डिस्काउंट मिलेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि भैया तुमने अपनी बीबी को पिलाएगा, अपनी बेटी को पिलाएगा? पहले अपनी बेटी को और अपनी बीवी को पिला के देखो, फिर आप हमारी महिलाओं बहनों के ऊपर बात करिए। जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पिंक टॉयलेट बना दिए हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री पिंक ठेके बना रहा है, होम डिलीवरी फ्री है, तो पूरा पूरा दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को बर्बाद करने पे तुला हुआ है आदमी। पंजाब में नशा मुक्ति की बात करता है और यहाँ इसने पूरा दिल्ली तबाह कर दिया इस शराब की नीति में। अर्थव्यवस्था बचा रहे हैं, आपको क्या लगता है अर्थव्यवस्था बच जाएगी क्या इतना शराब के ठेके खोलने? नहीं, और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बहुत सारे जरिए। आप ये बताइए कि शराबी क्या क्या है? आप आज देखिए, इन्होंने पूरा दिल्ली में इस वार्ड में करीबन 3 ठेके खुल गए, जहाँ एक ठेका नहीं था 3 ठेके खुल गए। हमारी माताएं बहनें देखिए सुबह 6 बजे से लोग बैठे हैं यहाँ पे प्रदर्शन में। हमारे बुजुर्ग देखिए कितने बुजुर्ग आदमी है, ये रात यहाँ 1-1 बजे तक यहाँ बैठते हैं। इन सब ने कहा कि नहीं खोलने देंगे। जो अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली को तबाह करने पे तुला हुआ है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एक भी ठेका नहीं खोलने देंगे। और पिछले 4 दिन से हम लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं।
चार दिन से ये सभी लोग यहाँ पर लगातार एक एक करके बैठ रहे हैं, आके महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, और ये लोग चाहते हैं क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट में, नहीं चाहते कि उन्हें गलत माहौल मिले, क्योंकि शराब का ठेका जब खुलता है तो आपको पता होगा कि किस तरीके के लोग शराब खरीदने आते हैं, और शराबी जब आते हैं तो कैसे गलत नजरें भी पड़ती होंगी बेटियों पर। आप महिला हैं मैम, आप लोग यहाँ पर आके बैठे होंगे, किस लिए विरोध कर रहे हैं और क्या कहेंगे केजरीवाल सरकार के लिए? सरकार के लिए एक ही बात है कि इसको ना बस भगाना चाहिए दिल्ली से। और मैम मेरा ऊपर घर है, इसी में ऊपर घर। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? हाँ, मैं मेरा घर ऊपर ही है, तो आप बताइए मैं यहाँ दिन रात बैठ रही हूँ। कैसे लड़कियाँ यहाँ से पढ़ने के लिए जाती हैं, ऊपर मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा आप सोचो। और दारू का यहाँ पहले ठेका इधर था, उस ठेके से लोग पी पी के यहाँ सारे गिरे रहते हैं। कहीं भी आप टॉयलेट देखो शाम के टाइम पे यहाँ से वहाँ तक लाइन लगी रहती है। रात को दो दो बजे तक गाड़ियों पर बैठ के बोटल खुलती हैं, यहाँ पर हंगामा करते हैं, गाड़ी क्लोज करते हैं, लड़कियों की तरह पैसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं कभी देखा ही नहीं है क्या। इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। तो हम बहुत परेशान है, इसको ऐसा काम कभी करना ही नहीं चाहिए। तंग आ चुके हम लोग इस सरकार। देखिए इनका यहाँ पर ये कहना है कि इनकी बेटियाँ हैं यहाँ से निकलती है, सामने से शराबी निकलते हैं, गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं वो शराबी, यहाँ पर टॉयलेट का पूरा स्मेल आता है बहुत गंदे तरीके से। मैम क्या कहेंगी इस पर आप? अरविंद केजरीवाल ये बोल रही हैं मैम कि इनकी बेटी जब निकलती है तो गंदे गंदे कमेंट भी पास होते हैं क्योंकि शराबी निकलते हैं, और उन पर कोई रोक नहीं लगा सकता क्योंकि वो नशे में होते हैं। सरकार इस पर कब रोक लगाएगी? रोक कब लगाएगी? सरकार तो खुद कर रही है ये सब चीज़ें, तैयारी तो सरकार ने की है। केजरीवाल जी ने पिंक ठेके और ये शराब के ठेके इसीलिए खुलवाए हैं कि बहू बेटियों को एक उठाया जाए, बदतमीजी की जाए। हैं उप मुख्यमंत्री हैं, स्कूलों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, यहाँ आके कब देखेंगे? तो ये खुलवा तो रहे हैं, एजुकेशन नहीं करानी, शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, और हम उसे नहीं खुलने देंगे। सारी बहनों ने उठाना है कि वो यहाँ नहीं खुलने देंगी, वो अपनी जान देने को तैयार हैं। हमारे साथ सारी बहनें खड़ी हैं, वो अपनी जान दे देंगी लेकिन ठेका नहीं खुलने देंगी। तो मैडम आपकी बात हुई किसी सरकारी आदमी से या फिर किसी से भी आपके इस बारे में बात हुई? हमारे नहीं खुलना, हमारे अध्यक्ष विनोद बछेती जी हैं जी, हम उनके नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं जी। हम किसी कीमत में यहाँ खुलने नहीं देंगे। एक बंद कराया चिल्ला गाँव में कल, यहाँ तो खुलने का मतलब ही नहीं है, लेकिन ठेका नहीं खुलेगा यहाँ। अच्छा, तो मतलब कोई भी आम आदमी पार्टी के किसी से भी अभी तक बात नहीं हो पाई है इस पे? वो क्यों आएंगे? उन्होंने देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो 20,000 करोड़ रुपया इन दो शराब माफिया पोंटी चड्ढा और जो रेड्डी बंधु है दक्षिण भारत के, उनसे बहुत मोटी रकम ले ली चुनाव के लिए अपने ऐसे और अयासी के लिए जी जी। जो आप आदमी अपने घर में 50-50 एयर कंडीशनर, स्विमिंग पूल, अपने ऐसे और अयासी के सारे अड्डे खोल दिए हो, उसके दिल्ली की गरीब जनता से क्या लेने देना है? आप देखिए इतनी ठंड में हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग, देखिए कितने बुजुर्ग आदमी है ये यहाँ बैठे हुए, यहाँ मातम छाया पूरे क्षेत्र में। जब से यहाँ ठेका खुलने के जिन्होंने यहाँ परमिट किया है तो पूरे एरिया में पूरा मातम छाया, वो लोग यहाँ परेशान है। वो जो एक ठेका आप बोल रहे हैं कि आपने बंद करवाया है वहाँ से, बिल्कुल बंद कर, उस पर कैसे एक्शन हुआ था? हमने MCD में जो ठेके जितने भी इन्होंने खोले हैं दिल्ली में 850, उनमें कहीं भी हाउस टैक्स नहीं है, मास्टर प्लान रूल के अंदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें कहा है कि मंदिर के नजदीक, स्कूल के नजदीक, रेजिडेंशियल एरिया के नजदीक नहीं खोल सकते, लेकिन जितने 90% ठेके खुले हैं वो सारे रेजिडेंशियल एरिया में है, गाँव में है, मंदिर के पास है, स्कूल के पास है। दिल्ली का मुख्यमंत्री को 500 स्कूल बनाए थे, 500 स्कूल में एक भी स्कूल तो बना नहीं पाया, लेकिन 850 ठेके खोल दिए, दिल्ली को बर्बाद करने पे तुला हुआ है दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। चलिए ठीक है मैडम, आप बोलेंगी इस पर कुछ, क्या कहेंगी? जो ठेका बन रहा है आपको क्या लगता है, सही कर रही है सरकार? नहीं, सरकार कैसे ठीक कर रही है जी? आप बताइए, अभी ये भाई साहब मेरे पास आए हैं, ये कह रहे हैं कि रात को भी 6-7 लड़के यहाँ पे आए थे लोगों को हटाने के लिए, और अब मनीष जी की क्या बात करना चाह रहे हो? वो इस विधानसभा से MLA, उन्हें तो खुद आके लोगों से पूछना चाहिए, उन्हें लोगों से राय लेनी चाहिए कि भाई आपकी वो है। यहाँ पे देखिए मैडम, मैं पूर्व पार्षद रही हूँ, मैंने देखा है सस्सी गार्डन झुग्गियों में यहाँ पे किस तरह से लोग रोडों पे पड़े रहते हैं। अगर इतनी ज्यादा तैयार, एक ये खुल रहा है एक सस्सी गार्डन में, एक प्रताप नगर में, किस तरह से हमारी महिलाएं निकल पाएंगी? ये जो कोरोना गाइडलाइन उन्होंने चलाई है, क्या लगता है शराब के ठेकों के साथ कोविड गाइडलाइन कोई मानेगा? क्योंकि शराब लेने तो सभी निकल पड़े होंगे। देखिए मैडम, आपने पिछली बार देखा था जब शराब के ठेके खुले थे किस तरह से लाइनें लगी थी, कौन सा उसमें रहा था कोरोना का वो? बिल्कुल। तो इनका तो एक ये है जी, केजरीवाल जी का और या इनके जो मंत्री जी हैं, सिर्फ उन्हें पैसा कमाना है, क्योंकि अगली बार तो आने वाले नहीं है। बिल्कुल।
उनका और कुछ नहीं है भाई। मैं तो एक एमएलए के लिए भी कह रही हूँ, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है उनका भी, लेकिन एक एमएलए की तो जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जनता के बीच में आए। जिस तरह से हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, क्या वो एमएलए मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे आए? लेकिन उनको क्या, मनीष सिसोदिया जी कितने 3,500 वोटों से जीते, अब की बार तो हारेंगे वो, क्योंकि हम महिलाएं हरवाएंगे उसको। तो मेरा तो यही है, आज RW काफी मेरे से भी मिले इससे पहले जी, तो मेरा तो यही है कि या तो ये मान जाए आराम से जी जी, नहीं हम तो अपना वही अपने देसी भाषा में खाट बिछाएंगे। और मैं पार्षद भी रही थी, ये तो थाना ताला लगा देंगे जी। देखते हैं, अभी मुझे RW ने कहा कि बहन जी रात को लड़के आते हैं, तो मैं अभी इनसे ये कहने वाली हूँ कि भैया मैं आपके बीच में, मैं रात को ही आऊंगी। तो मतलब रात को लड़के आते हैं यहाँ से आप लोगों को हटाने के लिए? लोगों को हटाने के लिए आते हैं। तमीज़ ये मत फक्तियाँ कसते हैं, महिलाएं बैठी हूँ पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो मतलब ऐसे, मतलब अराजक अभी से ये हो रहा है, ठेका खुल गया तो क्या होगा, दिन दहाड़े उठाएंगे लड़कियों को। लोगों की क्या मांगे, ठेका खुल जाना चाहिए उनकी, तो यही मांगे, मतलब आपको भेजते हैं ना वो डराना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं वो डराना चाहते हैं, वो पैसा देते हैं भाई उनको तो इस तरह से चाहिए। उन्होंने अपने कितने जो पुराने काम करने वाले थे उनको किस तरह से पीटा था, बाउंसर से पिटवाया था, तो यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। देखिए केजरीवाल के तो पेट भर कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे मैडम इस पे, जिस अभी तो पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं केजरीवाल जी, दिल्ली पर ध्यान नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए दिल्ली पर ध्यान क्या हो, दिल्ली से पैसा इकट्ठा करके अब पंजाब में जाके लग गए हैं, और दिल्ली की जनता को उन्होंने जो वादे किए थे वो सारे वादे उनके झूठे थे। उन्होंने बोला था यहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षाओं के लिए व्यवस्था करेंगे, मतलब इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे शिक्षा देंगे, इंटरनेशनल लेवल का वो बना देंगे, सिटी बना देंगे। उन्होंने यहाँ पे पिंक सिटी ना बना के इसको पिंक शराब के ठेके खोल रहे हैं। अब आप ये बताइए, 21 साल की उम्र, 25 से उन्होंने 21 साल की उम्र कर दी, 21 साल की उम्र में बच्चे कॉलेज स्कूल से पढ़ के निकलते हैं और रोजगार के लिए वो देखते हैं, ऐसे में उन्हें जब नौकरी नहीं मिलेगी वो शराब के ठेकों पर जाएंगे, वहाँ शराब पियेंगे और अपने भविष्य को एक तरह से बर्बाद करेंगे। क्या ये केजरीवाल सरकार यही चाहती है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, उन्हें रोजगार ना मिले, वो अपने घरों में लड़ झगड़ कर माँ बहनों से आएंगे, पैसे लेकर आएंगे और शराब के ठेकों पर पड़े रहेंगे। माँ बहनों को भी बोलेंगे कि तुम जाकर हमारे लिए शराब खरीद कर लाओ, क्योंकि तुम्हें 30% डिस्काउंट मिलेगा। अब आप ये बताइए केजरीवाल जी, आपकी सरकार ऐसे में क्या चाह रही है, दिल्ली को कहाँ ये लेकर जाना चाहते हैं? क्या दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं? पेरिस बनाने के चक्कर में शराब के ठेके खोलने का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, इतने ज्यादा खोलने का क्या लॉजिक? पता नहीं ये लोग क्या चाह रहे हैं कि शायद विदेशों में लोग शराब पीते हैं, वहाँ का कल्चर ये है, लेकिन हमारा इंडियन कल्चर ये नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर में यज्ञ होते हैं, मंदिरों में पूजाएं होती हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन ये तो हमारे जो संस्कार थे उनकी सारी इन्होंने धज्जियाँ उखेड़ के रख दी। मतलब भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध काम कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। इन्हें शायद लग रहा है कि अभी ये दोबारा दिल्ली की सरकार में नहीं आएंगे, इसलिए जितना जनता को लूट सके लूट लो और अपनी जेबें भर के यहाँ से निकल लो। तो फ्री करते हैं, अब महिलाओं को 30% डिस्काउंट शराब पे दे दिया, बसों में फ्री टिकट दिलवा दिया, तो क्या लगता है अभी भी महिलाएं चाहती है कि केजरीवाल सरकार रहना चाहिए? नहीं, महिलाएं कोई नहीं चाहती कि उन्हें फ्री टिकट मिले, महिलाओं को रोजगार दो ना, फ्री की क्या जरूरत है उन्हें, वो चाहती है उन्हें काम मिले, उनके बच्चे आगे बढ़े, उन्हें संस्कार दें अपने बच्चों को, वो फ्री की जरूरत नहीं है उन्हें। ये तो फ्री का लॉलीपॉप देकर उनको अपने वोट खरीद रहे हैं और कुछ नहीं है। मतलब ऐसी सरकार को, ऐसा कोई भी बंदा जो फ्री का लालच दे के वोट खरीदना चाहता है, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। 30% जो ये शराब पे दे रहे हैं डिस्काउंट, आपको क्या लगता है महिलाएं जाती हैं खरीदने, या महिला चाहती है 30% डिस्काउंट शराब? कोई महिला नहीं चाहती कि 30% हो या 50% हो वो शराब के ठेकों पर जाए, लेकिन हमारे जो गरीब तबकों की बहने हैं, सेवा बस्ती में बहने हैं, वहाँ उनके आदमी क्या है, आपको भी पता है कि वो झुग्गी झोपड़ी से आते हैं और उनको शराब चाहिए ही चाहिए। अभी क्या उनके पास पैसे नहीं होते, माँ बहनों के गहने बेचते हैं, उनको चाहे बच्चों को खाना मिले या ना मिले, लेकिन उन्हें शराब चाहिए, उसके लिए पिटती हैं वो बहने। उसके बाद वो पीटेंगे उनको कि तुम्हें 30% डिस्काउंट मिलेगा, जाके हमारे लिए शराब लेकर आओ। मतलब बहनों के लिए तो दोहरी मार हो गई, अब क्या बहने इसे वोट देंगी? नहीं,
केजरीवाल सरकार के दिन लद गए, इनको अब अपने यहाँ से बिस्तर बोरिया लपेटना पड़ेगा और इनको भागना पड़ेगा, इसीलिए इन्हें तैयारी करके अब ये पंजाब की तरफ मुख कर लिया है। हाँ, तो पंजाब में यही नीति वो पंजाब में भी अपना रहे हैं, फ्री तो पंजाब में भी दे रहे हैं वो, लेकिन पंजाब वालों को दिल्ली से सीख लेनी चाहिए। जो हार दिल्ली का करके आया है वो क्या पंजाब में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए केजरीवाल सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। देखिए यहाँ पर महिलाएं बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, इनका कहना है कि जो 30% डिस्काउंट शराब पे दे रहे हमें नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। क्या कहेंगी मैडम? मैम मैं ये चीज कहूंगी कि अगर केजरीवाल जी को अपने तरफ से लग रहा है कि उनका राजस्व बढ़ जाएगा तो इसका एक साइड इफेक्ट है कि हमारी हेल्थ वाइज जो ज्यादा शराब पिएगा ऑब्वियस उसकी किडनी खराब होगी, आर्थिक रूप से वो कमजोर होगा, उसके घर का माहौल खराब होगा। तो ये जो मानसिक विकृति वाली चीजें महिलाएं फेस करेंगी उसके बारे में पता नहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को क्यों ध्यान नहीं है। और हॉस्पिटलों में आपको भी पता है जो टीवी है, इस तरह की जितनी भी किडनी से लीवर से रिलेटेड बीमारियां हैं सबके कारण जो है वो शराब होता है। तो एक बार फिर से इस बारे में विचार करना चाहिए, नया ऑर्डिनेंस लाने से पहले ये सारे पहलू देखने के बाद लोगों को इससे बचाने का उपाय करना चाहिए, ना कि डुबाने का उपाय करना चाहिए। सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि शराब के ठेके खोलने की क्या सच में आवश्यकता थी, दिल्ली में क्या आवश्यकता थी शराब के ठेके 800 से 850? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि दिल्ली में शराब के ठेके ही खोलने की आवश्यकता थी, और भी आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए कई चीजें ऐसी हैं, जैसे रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाएं हैं पढ़ी लिखी, हमारे नए युवक हैं जो पढ़ लिख के घर बैठे हुए हैं, प्रस्टेशन हो रहे हैं, घर में प्रॉब्लम हो रही है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, इसलिए कई और चीज़ में रोज़गार है महिलाओं के लिए हैं और यंग लोगों के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। और जिस तरह से शराब के दोनों ठेके खोले हैं वो भी इस जगह पर खोले हैं जहाँ ऊपर लोग रह रहे हैं और ये सेंटर खुले हुए हैं स्कूल के अगल बगल में मंदिर हैं, तो वहाँ पर नहीं खोलना चाहिए। दिल्ली सरकार क्या सोच क्या समझती है, क्या है दिल्ली को हम शराब से डुबो दें इसको, या जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे में खरे नहीं उतरे, या हार की वजह से इन्होंने शराब पे डिस्काउंट देके क्या वोट हासिल किया जा सकता है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं किया। हम सर्वे करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, औरतें रोती हैं, बोलती हैं ये शराब के ठेके बंद कराओ जिससे कि हमारे बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है। क्या होता है आदमी पी के आता है घर में बीबी को पीटता है, बच्चे पी के आते हैं तो घर में पैसा नहीं होता तो चोरी का साधन बन जाता है, जेवरात हो जाते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली को इस तरह का माहौल मिले और केजरीवाल इस तरह का करे। हम इनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये शराब के ठेके न खोले जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी जीवन भर जिंदगी भर सारा नशा। मैं एक बात कहूंगी, शराब पे रेट बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन्होंने जो जल बोर्ड में फ्री करा, बिजली फ्री करी, उसके जो बैकलॉग्स है उनको कंप्लीट करना, उनको पूरा करना है, पूरा करते हुए उन्होंने इस बात का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा कि अपना किया हुआ भरने के लिए जनता को ही लूट रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सारी बात ये है कि उनको लगता है कि बिजली का खर्चा, पानी का जो फ्री का ड्रामा था उससे उनको लॉस है, उस लॉस को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने लोगों से ही पैसा वापस इसी तरीके से लेने का विचार करा और इसी के लिए उन्हें इस सब करने की जरूरत पड़ी। चलिए महिलाओं को तो ये कहना है जो गलती केजरीवाल सरकार करती आई शुरू से फ्री देने के चक्कर में, चाहे वो बिजली हो पानी हो, आज तक वैसे फ्री दिया नहीं है कुछ भी, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए जो है अभी शराब के ठेके खोल दिए, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया है, मंदिरों के पास शराब के ठेके खोल दिए, बुजुर्ग अंकल भी यहाँ पर मौजूद है, अंकल जी यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे ये शराब के ठेके से दुखी हैं आप? शराब जो है होनी नहीं चाहिए, सभ्य समाज तो इससे दूर हटता है। और मुझे याद आता है कि केजरीवाल जी सिर्फ पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा। सुविधा तो वो ये दे रहे हैं ना कि 2 किलोमीटर की दूरी पर ठेके खोल दिए उन्होंने, तो दूर जाना नहीं पड़ेगा। दिल्ली की सरकार ये चाहती है कि बच्चों को शिक्षा जरूरी नहीं है, दिल्ली की जनता को शराब पिलाना जरूरी है, इसीलिए वो महिला जो शराब नहीं पीती है दिल्ली की उनको महिलाओं को भी शराब पिलाना जरूरी है, तभी वो कह रहे हैं कि हम पिंक ठेका देंगे। नई आबकारी नीति में वो ये ला रहे हैं कि हम महिलाओं को शराब पीने के तरीके भी सिखाएंगे। तो आज से पहले कहीं भारत के किसी राज्य में ऐसी कोई आबकारी नीति आई है जिसमें कि महिलाओं को शराब पीने का तरीका सिखाया जाता हो? और सरकार में तो योगी हम तरीका सिखाएंगे बिल्कुल। और इस सरकार में जैसे सर ने बताया कि योगी जी ने पिंक टॉयलेट खोलने का काम किया उत्तर प्रदेश में, इन्होंने पिंक शराब के ठेके खोल दिए, तो इनकी नज़र में बीजेपी जो है महिला विरोधी है, इन्होंने शराब के ठेके खोले तो ये महिलाओं के पक्ष में है? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी निगम में है, जहाँ निगम सरकार पिंक टॉयलेट खोलने का काम, महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा देने का काम कर रही है, वहीं दिल्ली की सरकार पिंक शराब के ठेके खोलकर दिल्ली की महिलाओं को बर्बाद करने का काम कर रही है। सर आप बताइए, पिंक शराब के ठेके और पिंक टॉयलेट, कौन महिला विरोधी पार्टी आपको लग रही है इसमें? क्योंकि केजरीवाल जी हमेशा बोलते हैं कि योगी सरकार महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती है। देखो केजरीवाल का ना कोई योजना है,
ना कोई उसका इस तरह सोचने का। आप क्षेत्र में जाओ, MCD का आप स्कूल देखना जी। और जो यहाँ का विधायक शिक्षा मंत्री है उसके स्कूल देखना जो उसके अंडर में आते हैं। MCD के स्कूलों की वर्ल्ड क्लास क्लासें हैं और उसके स्कूल में कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं, 2-3 स्कूल चिन्हित कर रखे हैं पूरी दिल्ली में जी जी। हर साल उसकी टैल उखाड़ते हैं, नई टैल लगा के अपने एड में डाल देते हैं, देखो हमने नया स्कूल खुलवाया, लेकिन नया तो कुछ खुला ही नहीं है। तो वो सिर्फ 2-3 स्कूल हैं जो गिनती में। हाँ, उनको क्या करता है वो हर साल उसकी टैल उखाड़ता है, नए डिजाइन की टैल लगाता है, फिर उसको अपने अखबार के एडों में दिखाता है। नहीं तो आप उनसे पूछ लो जी कौन सा नया स्कूल है, कौन सी नई बिल्डिंग है, आप बता दो। एडवर्टाइजमेंट के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, फिर तो शराब की डेके जरूरी है। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो सारा दिल्ली का जो पैसा है वो एड में लगा रखा है उस भाई ने। और एड क्या होता है, दिल्ली की एड छपती है उत्तराखंड के अखबार में, पंजाब के अखबार में, गोवा के अखबार में, वहाँ क्या मतलब जी कि वहाँ वो अपनी ऐड करता है इस पैसे से, अपना चेहरा दिखाता है। और मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं कि कहते हैं कि भाई मैंने अखबार लेना बंद कर दिया जी। कहते क्यों, कहते यार एक आदमी की शक्ल आती है और शाम तक खाना नहीं मिलता। मतलब उनका अनुभव है कि एक आदमी की ऐड आती है और मैं अखबार खोलता हूँ उसकी शक्ल देखता हूँ तो शाम तक खाना नहीं मिल पाता मुझे। तो अखबार आप देखना, प्रिंट मीडिया जो है, प्रिंट अखबार कितने कम हो गए हैं, मालूम करना उनके अखबार के मालिकों से कि बहुत से लोगों की हालत ये है कि यार आदमी की शक्ल देखता हूँ शाम तक भोजन नहीं मिलता, मैंने अखबार लेना बंद कर दिया। चलिए, मतलब अखबार छापने ही बंद हो गए हैं, अखबार लेने ही बंद हो गए हैं, केजरीवाल जी ऐड छापने लगे हैं। तो सर क्या कहेंगे आप, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा चाहिए, शराब के ठेके खुल रहे हैं, ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, और फिर केजरीवाल जी कहते हैं कि केंद्र से हमें पैसा नहीं मिलता। देखिए, केजरीवाल के लिए एक शब्द बहुत अच्छा सा मैंने निकाला है और इसके बारे में प्रचार में भी वो हमने उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया है, बहरुपिया केजरीवाल। ये कोई उसके लिए ऐसे ही नहीं कहा है बहरुपिया केजरीवाल। जब वो दिल्ली की सत्ता में आने से पहले, इसके बारे में मैं कई बार स्टेटमेंट दे भी चुका हूँ, उन्होंने जो शुरुआत की थी ये कोई ऐसे ही नहीं आ गया दिल्ली की सत्ता के अंदर, इसके अंदर एक सोची समझी रणनीति है इसकी। और बर्ड की जो कुछ एजेंसी ऐसी है जो हिंदुस्तान को, मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में इस बात को रखा है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए काम कर रही हैं, उसी का एक पीछे से कहते हैं उनका सपोर्ट है और केजरीवाल एक उसका चेहरा है। बिजली फ्री का पानी, बाहरी दिल्ली तेरी यही जुबानी, 3 बार दे दिया दिल्ली के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बहरुपिया को मुख्यमंत्री बना करके, एक कहते हैं ना पूरे देश की एक एग्जाम्पल कहता है कि हम दिल्ली मॉडल को पूरे देश के अंदर। आप देखिए केजरीवाल कितना बड़ा झूठा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जमीन पर काम करते हैं और केजरीवाल क्या करता है, उसको ऐड को लेकर के सीधा सा अपने कार्यकर्ताओं से कहता है आपने कभी आपने वैक्सीन लगाई क्या। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जो है बहुत क्रोधित हैं, बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि ये जो शराब का ठेका खुला हुआ है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, छात्राएं आती है पढ़ने, बच्चे यहाँ से निकलते हैं, घर है, महिलाएं हैं। तो जो केजरीवाल ने अपनी ये रणनीति बनाई है शराब के ठेके खोलने की, बहुत ही गलत है, इसको बंद होना चाहिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।